हेलो गाइस, मेरा नाम इंजमाम और आप देख रहे हैं इंजमाम किचन विद माय एडिट। सो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप पिक्सआर्ट में फायर क्रैक फेस एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। एंड वीडियो को एंड तक बने रहना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले गाइस, आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है एंड सिंपली आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। उसकी बैकग्राउंड की कटिंग हुई, बैकग्राउंड की कटिंग अगर आपको नहीं आती तो बैकग्राउंड कटिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। एंड सिंपली से टोटल में आना है। टोटल में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको एक एम्प्टी लेयर लेना एंड सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है कलर को एंड इसे स्क्रॉल करके अपने मॉडल को ऊपर ले जाना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर लेना है। सिर्फ फेस रखना है एंड बाकी को यहाँ पर से हटा देना है एंड डन कर देना। सिंपली डन करने के बाद आपको ऊपर से यहाँ पर से भी डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट पे आना है, इफेक्ट पे। एंड इफेक्ट पे आने के बाद आपको फिर से इफेक्ट्स में आना है एंड आपको BMW इफेक्ट सेलेक्ट करना है एंड डबल टैप करिएगा तो इसके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगी। इसमें आपको बी सेलेक्ट करना है एंड सिंपली इसे भी डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको सिंपली टूल्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कर्व्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके एंड हल्की सी इसे नीचे से डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद आपको सिंपली इसे भी डन करना है एंड फिर से अगेन ड्रॉ टूल में आना है। ड्रॉ टूल में आने के बाद लेयर पर आपको क्लिक करना है सिंपली एंड अपने मॉडल की एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपको सिंपली इसे स्क्रॉल करके नीचे लाना है एंड यहाँ पर से एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर से एक ऐड फोटो में जाके यहाँ से क्रैक पीएनजी, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा एंड इसे सिंपली कॉपी करके आपको फर्स्ट और लास्ट वाले मॉडल की दोनों की आई को बंद कर देनी है एंड सिंपली इसे क्रैक को नॉर्मल से यहाँ पर मल्टीपल कर देना। मल्टीपल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर से ट्रांसफॉर्म थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है एंड अपने फेस पर बैठा लेना जिस तरीके से मैं बैठ रहा हूँ। बैठाने के बाद आपको सिंपली ऊपर से डन कर लेना। तो मैं अच्छे से बैठा लेता हूँ एंड यहाँ पर से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर से थ्री डॉट पे क्लिक करके मर्ज कर लेना। मर्ज करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन आई को ओपन कर लेना है एंड फिर से इसे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर से एक कॉपी ले लूँगा एंड इसे भी क्रैक वाली को भी आई की मैं ऑन कर दूंगा आई एंड इन दोनों की आई को ऑफ कर दूंगा एंड सिंपली इसे मल्टीपल करूँगा। क्रैक वाले पीएनजी को टैप करके यहाँ पर से मैं मल्टीपल कर दूंगा नॉर्मल से एंड सिंपली इसे भी ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूँगा एंड इसे मैं अपने फेस के दूसरे हिस्से पर आई में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। सिंपली आपको भी इसी तरीके से एडजस्ट करना एंड सिंपली ऊपर से इसे डन कर लेना। डन करने के बाद आपको सिंपली इसे भी मर्ज कर देना, थ्री डॉट पे क्लिक करना एंड यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो फोटो मर्ज हो जाएगी एंड आई को ऑन कर देना एंड सिंपली इसे थ्री डॉट पे क्लिक करके मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर से मोबाइल के आइकन को क्लिक करना है यानी कि इरेज के ऑप्शन को एंड इसे डबल टैप करके आपको ये ब्लर वाला ब्रश लेना है एंड साइज अपने हिसाब से रख के आपको सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से चला देनी है यानी इरेज कर लेनी है एंड अपने आँख को भी इरेज कर लेनी है। ये मैं जो अपने आँख है उसे भी मैं इरेज कर लूँगा एंड सिंपली लेयर पर क्लिक करके इसे सी ऑन कर दूँगा। सी ऑन करने के बाद यहाँ पर से मैं एक एम्प्टी लेयर लूँगा प्लस के आइकन पर क्लिक करके एंड सिंपली इसके लेयर की इस लेयर को ऊपर ले जाऊंगा एंड सिंपली मैं इस लेयर को बंद करके एंड ऐड फोटो पे क्लिक करके सिंपली एक फायर का पेंसिल लूँगा, फायर बॉल का, एंड इसे क्रॉप कर लूँगा एंड डन कर दूँगा। डन करने के बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर से थ्री लेयर पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर से कॉपी लेनी है। एक कॉपी लेने के बाद इसे भी सिंपली आप लेयर को नीचे लाना अपने क्रैक वाले मॉडल के से एंड इसे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर से ट्रांसफॉर्म कर लेना। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इस आई आग पे कुछ इस तरीके से बैठा लेना है एंड इसे सिंपली डन करना है एंड दूसरे बॉल को सिलेक्ट करना है एंड
इसे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे भी ट्रांसफॉर्म करके अपने दूसरे आँख पर अच्छे से बैठा लेनी है कुछ इस तरीके से, एंड सिंपली इसे भी ऊपर से डन कर लेनी है। डन करने के बाद एंड इसे फिर से एक कॉपी लेनी है, एंड अगेन फिर से इसे मॉडल के नीचे रखना है, एंड इसे 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके अगर मैं अपने पूरे फेस में जो कि इधर क्रैक दिख रही है ना मेरी फेस क्रैक, उस पर मैं पूरे अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ पर मेरे फेस क्रैक वहाँ वहाँ पर अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं पूरा बड़ा करके अपने फेस पर कुछ इस तरीके से लगा के एडजस्ट कर लूँगा एंड इसे सिंपली डन कर लूँगा। डन करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप है, एक और स्टेप है, इसे सिंपली इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल वाले आइकन पर एंड इसे अपने साइज अपने हिसाब से रख के सेट कर लेना है, एंड यहाँ पर इस वाले आइकन को क्लिक करके आपको सर ये क्या कहते हैं चौड़ाई वाले भाग को लेना है, एंड फिल करके फिल ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको सिंपली इसे ऊपर से इरेज कर लेना। ये सिर्फ हमारे आँख में, ये दोनों आँख में और इधर गाल पे जो कि ये दिख रहा है सिर्फ इसी पर रहना चाहिए फायर PNG, बाकी जहाँ जहाँ पे वहाँ इरेज कर दूँगा। एंड इस वाले बॉल PNG पे क्लिक करूँगा, एंड ये बॉल PNG हमारी इस आँख पे है इसलिए मैं इस आँख के ऊपर जो ये दिख रहा है उसे सिंपली मैं इरेज कर लूँगा। तो मैं सिंपली अपने ऊपर ये जो आँख के ऊपर ये दिख रहा है लाल फायर PNG उससे मैं सिंपली इरेज कर लूँगा आगे पीछे से, एंड बच गया हमारा ये वाले आँख। इस आँख के लिए मैं दूसरे बॉल PNG जो कि मैं यूज़ किया था ये नीचे वाले इसे क्लिक करूँगा, एंड सिंपली इसे भी इरेज पे क्लिक करके एंड उसे सिंपली इरेज कर लूँगा। इरेज करने के बाद सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर से इस तीनों को मर्ज कर लेना, सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारा मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद आपको सिंपली एक और MPT लेयर लेना है, एंड अगेन एड फोटो में जाना, एड फोटो में जाने के बाद आपको मैं एक फायर के PNG दे दूँगा अलग से, एंड इसे सिंपली आपको नॉर्मल से स्क्रीन कर लेनी है। स्क्रीन करने के बाद आपको सिंपली इसे ट्रांसफॉर्म इसे 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके से अपने फेस पे एडजस्ट करना ताकि ऐसा लगे कि हमारे अंदर से जो कि आग लावे यानी कि बाहर भी गए, सिंपली से डन कर लेना। डन करने के बाद आपको सिंपली इसे इरेज कर लेना, इरेज को ब्रश आपको नहीं कि अपने हिसाब से ब्रश रखना है, एंड इसे सिंपली इरेज कर लेना, एंड लेयर पे जाना है एंड इसकी ओपेसिटी अच्छी कम कर देना है एंड इसे अच्छे से इरेज कर देना है हमें अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मैं चला दूंगा, एंड उस हिस्से को छोड़ देना ताकि ऐसा लगे कि उस तरफ हिस्से की तरफ बाहर निकल रही है, इसलिए उस हिस्से को छोड़ देना एंड इस हिस्से को इरेज कर लेना। फेस पे जो हमारा जो जो आ गया उसे सिंपली मैं इरेज कर दूँगा। इरेज करने के बाद सिंपली मैं इसकी एक कॉपी लूँगा एंड इसे मैं अपने दोनों आँखों पर लगा लूँगा, सिंपली इसे 2 कॉपी लूँगा इसकी, एंड इसकी इस 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूँगा एंड इसे अपने आँखों पर कुछ इस तरीके से लगा लूँगा ताकि ऐसा लगे कि हमारे आँख से भी लावे बाहर निकल रहा है यानी बोले तो फायर, एंड इसे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी करूँगा एक और, एंड इसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इस आई पे लगा लूँगा इस आँख पे कुछ इस तरीके से, एंड सिंपली डन करूँगा। डन करने के बाद आपको वो फायर की ओपेसिटी कम करनी है एंड सिंपली इरेज का ऑप्शन लेके इरेज का ब्रश लेके एंड सिंपली इसे अपने आँख के नीचे चला देना, ऊपर वाले के हिस्सों को छोड़ देना ताकि ऐसा लगे कि हमारे आँख से लावा ऊपर की तरफ निकल रही है, एंड नीचे इरेज कर देना, एंड सिंपली दूसरे फायर पे फायर PNG को सिलेक्ट करूँगा एंड इसकी ओपेसिटी कम करके सिंपली मैं इसे नीचे से इरेज कर लूँगा नीचे से, तो सिंपली मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद इसकी ओपेसिटी फुल कर दूंगा एंड सिंपली मैं इसे डन कर लूँगा। इसे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे सेम इमेज कर लूँगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो गाइस मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।